अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे. सो यू हैव टू जंप द हाईएस्ट, यू हैव टू बिलीव इन द मॉर्निंग इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट एवरीबॉडी इज बेटर देन यू. यू हैव टू वेक अप विद द कॉन्फिडेंस कि आई एम द बेस्ट स्टूडेंट. जो एक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, कभी भी जिंदगी में ये ना सोचें कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वो लकी था, वो ये था, वो ऐसा था, वो बड़े बाप का बेटा था, उसको चांस मिल गए. बिकॉज जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और इंशाल्लाह हर किसी के साथ अच्छा ही होता है. मेरी फिल्म का डायलॉग है, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है. और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. अरे अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं छूटनी पड़ती हैं जिंदगी में. अगर आप बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो हो सकता है आपका फ्री टाइम, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, जो भी चीज़ आप एक्सीलेंट लेवल पर पाना चाहते हैं. मैं शुरू में ऐसा नहीं सोचता था. 5-10 साल मेरी फिल्में चल गई तो मुझे लगा कि अब मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैं अब एक्सेल करूं इस फील्ड में, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया तो अब ये मैं डिजर्विंग करूं, तो मैं और भी अच्छी मेहनत करूं. कहते हैं रोटी के बिना इंसान 4 हफ्ते जी सकता है, पानी के बिना 4 दिन और हवा के बिना शायद 4 मिनट. लेकिन लेकिन उम्मीद के बिना इंसान 4 सेकंड भी नहीं जी सकता. मेरा बिलीफ ये है हर यूथ को कि आपको जिंदगी में जो चीज चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं. पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज़ लिपाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है, और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है. लेकिन उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा ख्याल जरूर रखें कि अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो लोग हैं उनका भी कुछ ना कुछ भला. जब आदमी कुछ नहीं होता था तो मेहनत करता है, जब हो जाए उसके बाद मेहनत करना बहुत जरूरी है, वो लाजमी है. उसके बाद मैं बैठ जाऊं कि यार अब तो हो गया, अब मैंने कर लिया. मैंने आज तक, और आपने मुझसे, मेरे साथ बहुत काम किया है, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने आज तक कभी सेट के ऊपर जाकर ऐसा बिहेव नहीं किया कि मुझे आता है. मैं सिर्फ 10 बार 100 बार 50 बार यही कोशिश करता हूं कि मैं उसको इंप्रेस कर सकूं कि मुझसे ज्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं. वन एडवाइस आई लाइक टू गिव ऑल द यंगस्टर्स इज, इफ यू कैन In all the issues of life, keep an honest and gentle heart. An honest and gentle heart. There will be times when we'll have to cheat with life. There will be time when we'll have to cheat with our people around us. But in that one moment of weakness, if you can keep an honest and a gentle heart, you will have the greatest life that Allah and God has given you. Bhagwan has given you. Nobody is going to ever take away from you, snatch away from you what you really deserve. Whether you get something or not, keep working hard, because there is no alternative to hard work. Don't let the past blackmail your present to ruin a beautiful future.